फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए विजिटे ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर रहा है। ये वीडियोस आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रथमेश सर। हमारा मैथ्स का फर्स्ट लेसन प्रोग्रेस में है, जिसका नाम है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इस लेसन का हमने पहले वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.2 एंड प्रैक्टिस सेट 1.3 देखा है। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.4 को शुरू करने से पहले आपको पता होना जरूरी है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, आपने 7th स्टैंडर्ड में एक लेसन था पाइथागोरस थ्योरम करके, उसमें आपने ये पढ़ा है। ठीक है, फिर भी हम फिर से देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या है? देखो, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है उसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर एसी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स। इसका मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। अभी अगर पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम इस ट्रायंगल में ए बी साइड 1 सेंटीमीटर और बी सी साइड 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर की वैल्यू 1, 1 स्क्वायर की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 वैल्यू होगी 2। अब इसके बाद अगर समझो एक साइड इनमें से √2 है और एक दूसरी साइड है 1, जो कि अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें ये ट्रेंगल लेना है। तो ट्रेंगल ए बी सी में अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो ए सी स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर राइट हैंड साइड में लेने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। तो ए सी की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी जो लेंथ है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस बी सी लेंथ है 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर √2 का स्क्वायर। अभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये दोनों कैंसिल होते हैं, अपोजिट ऑपरेशन है, तो प्लस 1 स्क्वायर की वैल्यू होगी 1, 1 प्लस 2 वैल्यू होगी 3। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू स्क्वेयर, अगर राइट हैंड साइड को हम लेते हैं तो स्क्वेयर रूट ऑफ 3। तो ए सी की जो लेंथ होगी वो स्क्वेयर रूट ऑफ 3 होगी। तो यही यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट 1.4 में, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो। द नंबर √2 इज शोन ऑन द नंबर लाइन, √2 नंबर लाइन पे दिया हुआ है, कहाँ पे है? स्टेप्स आर गिवन टू शो √3 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग √2। √2 का यूज करके जो स्टेप्स दिए हुए हैं वो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए दिए हुए हैं। फिल इन द बॉक्सेस प्रॉपरली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी, बॉक्सेस में वैल्यू जो है वो प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट करना है और एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो अभी देखो एक्टिविटी क्या क्या है यहाँ पे। द पॉइंट क्यू ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर, नंबर लाइन पे यहाँ पे क्यू जो पॉइंट है वो कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? तो क्यू जो पॉइंट है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हमें यहाँ पे लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम अभी यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसके बाद अ लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट क्यू, पॉइंट आर इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम क्यू ऑन द लाइन। तो अभी यहाँ पे पॉइंट √2 जो पॉइंट है वहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है और उसकी लेंथ जो है वो हमने ले ली है Q से R तक यूनिट डिस्टेंस, मुझे 1 यूनिट, जो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट का जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है 1 यूनिट का डिस्टेंस, ये होगा 1 यूनिट। अब ये देखो ये हो गया 1 यूनिट, तो यही 1 यूनिट यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। तो 0 से मतलब O से क्यू तक √2 डिस्टेंस और ये 1 डिस्टेंस, तो ओ
आर जिसे हमने पहले लिया हुआ है ओ आर होगा रूट थ्री। तो अभी यही यहाँ पे लिखना है। लाइन परपेंडिकुलर तो ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर क्यू इज ऑब्टेन बाय ड्राइंग ओ आर। ओ आर को हमने ड्रॉ कर ली ये लाइन, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो लेंथ ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू रूट टू, ओ क्यू की लेंथ होगी रूट टू और लेंथ ऑफ ओ आर इज इक्वल टू वन। ओ क्यू आर लेंथ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू वन बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लेंथ ऑफ ओ आर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ ओ क्यू स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर दोनों साइड का स्क्वायर उनके एडिशन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ओ क्यू की लेंथ है रूट टू, तो यहाँ पे हमें लिखना है रूट टू का स्क्वायर, तो ये होगा रूट टू स्क्वायर। और क्यू आर, क्यू आर की लेंथ है वन, ये होगा वन स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल टू प्लस वन स्क्वायर होगा वन, टू प्लस वन थ्री। अब लेंथ ऑफ ओ आर ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू थ्री है, तो स्क्वायर अगर राइट हैंड साइड को हम लेते हैं तो ये होगा रूट थ्री। तो लेंथ ऑफ ओ आर, ओ आर की जो लेंथ है ओ से आर तक ये हो गई रूट थ्री। अगर ये रूट थ्री है तो यहाँ से कंपास में ये डिस्टेंस लो रूट थ्री और यहाँ से एक आर ड्रॉ करो, तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो नंबर लाइन पे रूट थ्री मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो द नंबर रूट फाइव ऑन द नंबर लाइन। रूट फाइव और रूट सेवन ये दोनों नंबर हम एक ही डायग्राम में शो करेंगे। तो रूट फाइव तक जहाँ तक है वो रूट फाइव तक क्वेश्चन नंबर टू के लिए लिखना है और रूट सेवन जो है वो रूट सेवन के लिए। तो सबसे पहले इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अभी सबसे सेंटर में जो हमें पॉइंट लेना है वो लेना है जीरो। तो अभी यहाँ पे देखो जीरो यहाँ पे लो, सपोज फाइव पे हम जीरो लेते हैं, तो एक एक यूनिट के लिए हमें वन टू थ्री 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 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ पे वन यूनिट, यहाँ पे टू यूनिट होगा और यहाँ पे होगा थ्री यूनिट्स, वन वन टू थ्री सेंटीमीटर, वन टू थ्री यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमने चार सेंटीमीटर का डिस्टेंस एक यूनिट के लिया है, एक यूनिट के लिए लिया है। अभी यहाँ पे जीरो होगा तो वन टू थ्री फोर, चार सेंटीमीटर के लिए वन यहाँ पे इंटीजर होगा, फिर वन टू थ्री फोर अगले चार सेंटीमीटर के लिए यहाँ पे होगा टू। तो सेम डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे इंटीजर्स लेने हैं। ये तो ये होगा जीरो, यहाँ पे हुआ वन, यहाँ पे हो गया टू। अब हम ये लिखेंगे यहाँ पे जीरो वन और टू। इसके बाद हमें यहाँ पे जो वन पॉइंट है वन पे हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो परपेंडिकुलर के लिए हमने प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल वन पॉइंट पे ड्रॉ करना है। तो वन पॉइंट और ये पॉइंट मैच करो, 90 डिग्री जहाँ पे है वहाँ पे पॉइंट लो और इन दो पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लो। तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब ये जो यहाँ पे वन यूनिट डिस्टेंस है वो वन यूनिट जो डिस्टेंस है वो वन यूनिट यहाँ से लेकर जो ये पॉइंट है वो वन पे रखना है और यहाँ से हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है यहाँ। फिर उसके बाद यहाँ जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को और ये पॉइंट को ज्वाइन कर लो। तो ये वन यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, ये भी वन यूनिट यहाँ से यहाँ तक, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ टू मिलने वाला है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ टू कितना है काउंट करो, मेजर करो इतना और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करो। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ टू, ये जो पॉइंट होगा नंबर लाइन पे वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ टू। फिर यहाँ पे और एक परपेंडिकुलर रूट टू पॉइंट पे हमें ड्रॉ करना है। तो रूट टू पॉइंट जो है वो जो प्रोटेक्टर की लाइन है उससे मैच करो और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे लो। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे हो गया, तो इन दोनों को ज्वाइन करो दो पॉइंट्स को। तो ये ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मिलेगा। इस परपेंडिकुलर पे फिर और हमें एक यूनिट डिस्टेंस लेना है। तो एक यूनिट हमने जो डिस्टेंस लिया है जीरो से वन तक, ये एक यूनिट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक
फिर से ये पॉइंट यहाँ पे रखो और एक आर्क ड्रॉ करो और ये पॉइंट इस पॉइंट से मैच करो, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और ये जो डिस्टेंस है 1, तो हमने अभी यहाँ पे लिया है, अगर एक साइड स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और एक साइड 1 है तो राइट एंगल में जो हाइपोटेन्यूस होगा वो होगा रूट 3। अभी अगर समझो एक साइड रूट 3 है और ये अगर 1 है तो रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, 3 प्लस 1 मतलब 4, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, तो अभी हमें 2 मिलने वाला है। तो इसके बाद हम नंबर लाइन पे शो करेंगे रूट 3, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है रूट 3 डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मेजर करो और एक आर्क ड्रॉ करो, ये जो पॉइंट होगा वो होगा रूट 3। अभी रूट 3 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस पॉइंट को मैच करो और यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल लेना है, फिर ये मैच करो दोनों पॉइंट और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, तो ये होगा 90 डिग्री का एंगल। फिर से 1 यूनिट का डिस्टेंस हमें लेना है यहाँ पे, तो ये होगा रूट 3 से 1 यूनिट का डिस्टेंस, तो इन दोनों को ज्वाइन करो, तो ये होगा रूट 4, ये होगा रूट 3, ये होगा रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 4 की वैल्यू 2 आएगी, तो अभी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट होना चाहिए, तो ये एग्जैक्टली 2 पे आता है, तो अभी एग्जैक्टली 2 पे आएगा। अब यहाँ 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो 2 पॉइंट को मैच करो, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हमने लेना है और इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो ये होगा 90 डिग्री का एंगल। फिर से 1 यूनिट डिस्टेंस लो, 1 यूनिट डिस्टेंस जो है वो लेना, एक मिनट सॉरी, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट का डिस्टेंस है, तो ये 1 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ से आर्क ड्रॉ करनी है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2, अभी देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 3, रूट 4, तो ये डिस्टेंस जो होगा रूट 5 होगा, तो अब हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है रूट 5 के लिए, तो ये डिस्टेंस होगा रूट 5 इस पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो मिलेगा हमें रूट 5। अब रूट 7 के लिए ऐसे ही एक्सटेंड करना है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल लो, फिर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, 90 डिग्री का एंगल देखिए, पॉइंट को मैच करना है 90 डिग्री, तो अब इन दोनों को ज्वाइन करो, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे मिल गया। 1 यूनिट का डिस्टेंस फिर से हमें लेना है, 1 यूनिट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे लेना है और इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो ये होगा रूट 6, रूट 6 लेंथ होगी, तो रूट 6 लेंथ कंपास में लेनी है और यहाँ से रूट 6 से फिर एक आर्क बनानी है। अब ये जो लाइन है उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो इस लाइन को एक्सटेंड करो और ये जो पॉइंट मिलेगा वो होगा रूट 6। अब रूट 6 पे 90 डिग्री का एंगल लेना है, रूट 6 पे 90 डिग्री का एंगल, यहाँ 90 डिग्री का पॉइंट होगा, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, 90 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पे मिलेगा, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। अभी एक मिनट, ये जो परपेंडिकुलर आएगा वो हमें लेना है यहाँ पे 90 डिग्री, तो अभी 1 यूनिट डिस्टेंस जो है वो काउंट मेजर करो, फिर यहाँ से आर्क लो 1 सेंटीमीटर पे, फिर ये दोनों ज्वाइन करो, तो यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करने के बाद अब हमें मिलेगा रूट 7, तो अभी एक आर्क लेनी है रूट 7 रेडियस लेकर और यहाँ से आर्क ड्रॉ करनी है, ये जो पॉइंट होगा वो होगा रूट 7। अभी अगर रूट 5 इंडिकेट करना है तो यहाँ तक ही सॉल्व करो, यहाँ तक ही ड्रॉ करो, आगे की लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रूट 7 पूछा है तो यहाँ तक, रूट 7 है तो यहाँ तक, रूट 9 रूट 8 भी हम आगे कर सकते हैं, यहाँ पे रूट 8 हमें मिलेगा
उसके आगे रूट 9 मिलेगा। तो थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज हमारा मैथ्स का जो फर्स्ट लेसन है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, वो खत्म हो गया। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट किया है, आप होमवर्क में ये पूरा एक्सरसाइज अपने बुक में सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो, आपका हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करो और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको फास्ट मिल सके। थैंक यू।